हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? अगेन योर फ्रेंड रितु शरद हियर विद अ न्यू वीडियो ऑफ क्लैडियम. हैव यू एवर हर्ड अबाउट क्लैडियम? इट्स अ प्लांट. इट कम्स इन द वैरायटी ऑफ क्रोटन्स एंड इट्स शेप इज लाइक एरो हेड ओनली बट विद अ बिगर साइज एंड इट हैज मल्टीपल colors. Many varieties are available in this. Today we will be doing pink, shades of pink and green. Okay children, so चलिए हम देखते हैं कि हम क्लैडियम प्लांट कैसे बनाएंगे. आप तैयार हो जाइए अपनी पैलेट, अपने कलर्स और एक अच्छे से मूड के साथ. ठीक है, लेट्स गो. सो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए पहले से स्केच करके रखा है. ये क्लैडियम प्लांट आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि ये आप इसके जैसा एरोहेड पहले भी बना चुके हैं. स्केचिंग से पहले मैंने इसमें हल्का सा ब्लू बैकग्राउंड दे दिया है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग नहीं समझ पाते हैं. पैलेट में वो ही शेड्स हैं, क्रिम्सन, ग्रीन, सैप ग्रीन, येलो. सबसे पहले पानी लगाया जहाँ पे हमें कलर लगाना है, देन हल्का सा पिंक क्रिम्सन रेड लिया, केवल क्रिम्सन रेड लेके इसको स्प्रेड किया. पानी होने की वजह से वो अपने आप से स्प्रेड होता जाएगा. ये देखिए, जिस तरफ पत्ती की झुकान उसी तरफ ब्रश का स्ट्रोक. जब तक वो सूखेगा मैं दूसरी तरफ भी पानी लगाऊंगी. अभी ये देखिए, जब तक गीला है हम काम कर सकते हैं. थोड़े थोड़े से डॉट साइड में मैंने इसमें ऑब्जर्व किए थे, मुझे दिखे थे थोड़े थोड़े से डॉट्स. ये देखिए, पहले पानी लगाया, अच्छे से पानी पूरा, देन पिंक कलर लिया और उसी तरीके से इसमें भी लगा दिया. बॉर्डर्स पे ग्रीन, सैप ग्रीन, कैडमियम येलो और जहां डेप्थ दिया है वहां पे मैंने कोबाल्ट का यूज किया है. वेन्स इसमें अच्छी खासी दिखती हैं, इसलिए वेन्स को इसमें मैंने प्रोमिनेंट रखा है. आपको एक चीज और भी दिखाएंगे इसमें. आप नोटिस कर रहे होंगे मेरे हाथ में एक बहुत पतला सा ब्रश है. उसको कैसे यूज करना है मैं अभी दिखाती हूँ आपको. हम इसमें हल्के से वेन्स बनाएंगे, सेम कलर से थोड़ा पानी लगा के वेन्स का इफेक्ट. जब आप करीब से देखेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा. एजेस पे कोबाल्ट एंड सैप ग्रीन लगा के थोड़ा थोड़ा सा उसका बॉर्डर्स फिक्स कर देते हैं, बिकॉज होता है ऐसा, थोड़ा डार्क ही होता है. बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आपको प्लांट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. क्रोटन की वैरायटी में होता है और अक्सर लोग डेकोरेटिव प्लांट्स के तौर पे इसको घरों में लगाते हैं. इसकी बहुत वैरायटीज होती हैं. दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरीगेटेड प्लांट. वेरीगेटेड मीन्स कलरफुल, विच हैज़ मल्टी कलर लीव्स, बेसिकली पिंक, रेड, वाइट, पर्पलिश जो होता है आपका वॉयलेट, वो कलर भी होता है. मैंने पिंक लिया है और इसमें एक मैंने देखा था बिल्कुल सिंदूरी रेड, फुल लीफ वॉस रेड. एंड बॉर्डर पे कहीं कहीं पे ग्रीनिश इफेक्ट था आउटलाइन पे. एक मैंने देखा था, एक्चुअली मैं गई थी वहाँ पे नर्सरी में, वहाँ जाके मैंने देखा,
बिकॉज़ जब बनाना है तो मुझे पहले उसको अपनी नज़रों से देखना अच्छा लगता है. सो एक बार गए थे तो काफ़ी सारी पिक्चर्स ले ली थी मैंने. तो वहाँ पे एक था वो बहुत खूबसूरत सॉफ्ट सैप ग्रीन, थोड़ा सा येलोइश टच लिए हुए, बहुत अच्छा वाला ग्रीन, एंड उस पर बिल्कुल वर्मिलियन रेड, ऑरेंज, ऑरेंजिश रेड जो होता है, ब्राइट उसके डॉट्स थे. यू मस्ट हैव सीन दोज हु आर हैविंग इंटरेस्ट इन दिस प्लांट्स एंड दिस गार्डनिंग एंड ऑल, तो उन्होंने देखा होगा ज़रूर. अक्सर ऑफिसेज में लगा होता है, गार्डन्स में लगा होता है, स्कूल्स में लगा होता है. आप बारीकी देखिए इसको, जो हमने डॉट्स दिए थे उसके साइड में थोड़ा थोड़ा सा मैं डार्क ग्रीन करती जा रही हूँ. उभार देखिए आप पत्ती का, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उठ के आ रही है. बस मैं यही चाहती हूँ कि दैट व्हेन यू पीपल ड्रॉ डोंट गेट अफ्रेड ऑफ कलर्स, प्ले विद कलर्स, एंजॉय द कलर्स. बिल्कुल देखो मैंने कहीं भी डर करके कलर नहीं लगाया है, बिल्कुल निश्चिंत से बेबाकी से कलर लगाई है. आप ब्रश स्ट्रोक्स मेरी पेंटिंग से समझ सकते हैं कि मैंने कैसे लगाया होगा. कर्व में लगाया है, सेंटर लाइन से उठा करके ब्रश साइड में लाए. ये देखिए, और अब मैं थोड़े थोड़े वेन्स को टच कर रही हूँ, वेन्स का इफेक्ट. बच्चों ये डेमोन्स्ट्रेशन का क्लास है, ऑब्वियसली मैं कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगी इसको एकदम से, फिर भी मैंने आपको टू लीव्स एंड उसके स्टेम्स बना के दिखा है. कॉम्पोज कैसे करेंगे, वो फोर लीव्स बनी हुई हैं. आई विल ट्राई टू कम्प्लीट दोज लीव्स इन दिस वीडियो ओनली, अदरवाइज आई विल पुट अ फाइनल प्रोडक्ट पिक्चर फॉर योर रेफरेंस. नोटिस कीजिए, हर वीडियो में बताती हूँ डेप्थ, जहाँ पत्ती है उसके नीचे की हिस्सा बिल्कुल डार्क होगा, तभी पता चलेगा वो पीछे है. नोटिस कीजिए एक पत्ती और दूसरी पत्ती थोड़ी ओवरलैप हो रही है, उसकी जगह पे भी बीच में मैंने डेप्थ दी है. वेन्स का उभार एक बार फिर दिखा रही हूँ. ये देखिए, ये क्लोजअप आप देखिए, ये दो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ इसी वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबा बनाना भी ठीक नहीं होता है. बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डू एवरीथिंग फॉर यू. एज आई से माई आर्ट, आई डोंट कीप एनीथिंग सीक्रेट विद माई स्टूडेंट्स. जो कुछ मेरे पास है मेरे बच्चों का है. एक्सक्यूज मी, मैं आपसे सब कुछ शेयर कर देती हूँ. देखिए फिर मैंने येलो एंड ग्रीन लिया है. हाँ ब्रश अच्छे से साफ कर लीजिएगा, नहीं तो पिंक ब्रश से अगर आप करेंगे तो ग्रीन में मिलते ही वो ब्राउन का टच दे देगा, ब्राउनिश हो जाएगा वो. डॉट्स डॉट्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन का टच. आप देखिए मुझे पिछले पत्ती में कहीं कुछ कमी लगती है, मैं बीच में उसमें भी हाथ लगा देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एक बार बन गया वो फिनिश हो गया, अभी भी उसमें बहुत कुछ काम कर सकते हैं. फिनिशिंग, ये तो आपका क्विक डेमोन्स्ट्रेशन होता है वीडियो में, उसमें बहुत स्कोप है उसके वो इम्प्रोवाइज करने का. अपनी सुविधा के हिसाब से पेपर को घुमाइए, बेंट तभी आपको क्लियर मिलेगा, उसी तरफ आपका हाथ झुकेगा. अगर आप ऑपोजिट साइड में उस तरह से बेंट करने लगेंगे, कलर लगाने लगेंगे, अपने ब्रश को वैसे घुमाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपनी सुविधा से अपनी तरफ पेपर को झुका लें. ये देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट है.
some finishing lines, some shadows, and some more touches in the background. तीन चार लेयर्स में मैंने ये काम किया है. आप देखिए, सबसे पहले बहुत हल्का सा मैंने क्रिम्जन लगाया फर्स्ट लेयर, थोड़ा सा वो डैम्प थी तभी मैंने सेकेंड लेयर करी. नाउ दिस इज़ माय थर्ड लेयर, क्योंकि सूखने के बाद थोड़ा कलर डल हो ही जाता है ना. अभी भी इसमें है कि अभी मैं अगर डेप्थ लगाऊँ तो एक डेप्थ और जा सकती है इसमें. ये देखिए, यहाँ मुझे हल्का लग रहा था, मैंने दो दो ब्रश स्ट्रोक्स और डाल दिए. आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है. ये देखिए, अब मैं डेप्थ लगाऊंगी इसमें डार्क कलर. डेप्थ देना मतलब जहाँ ज़रूरी हो वहाँ उसको डार्क कर देना. जो व्यूवर्स, जो लोग, जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ ये टर्म्स मैं कलर्स भी नाम से बताती हूँ. आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो ट्यूब के ऊपर नाम लिखा होता है, हर कलर के ऊपर नाम लिखा होता है कलर का. ये मैंने सैप ग्रीन लिया है, पानी मिला करके सैप ग्रीन और कोबाल्ट प्लस क्रिम्जन, थोड़ा ग्रेइश सा टच आया इसमें. शेडो के तौर पे मैंने, ये तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि प्लांटेड नहीं दिखाया है मैंने, क्योंकि ICSE बोर्ड में प्लांटर दिखाना ज़रूरी नहीं होता है. केवल आप जो है मेन फोकस अपने ऑब्जेक्ट पे रखते हैं. सी, आई एम गिविंग अ क्विक बैकग्राउंड. ये वो ही लोग करें जिनका हाथ क्विक चलता है, क्योंकि पैची करके आप अपनी ड्राइंग को ख़राब बिल्कुल नहीं करें. ना बनाएं बेहतर है, वाइट छोड़ दें बेहतर है. ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ ऐसे भी किया जा सकता है.